अथर्व बंसल ने आंखों पर पट्टी बांधकर चंद पलों में हल की 3x3 रूबिक क्यूब प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित हुए लोग। शिवपुरी जिले के निवासी 7 साल के अथर्व बंसल ने आज फिजिकल थाना परिसर में आंखों पर पट्टी बांधकर 3x3 रूबिक क्यूब जैसी चीज को चंद पलों में हल कर फिजिकल थाना प्रभारी रजन चौहान और मौजूद लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। दरअसल रूबिक क्यूब एक ऐसी पहेली होती है जिसमें लोग घंटों घंटों तक घुमाकर भी नहीं सुलझा पाते, लेकिन शिवपुरी के अथर्व को इसे सुलझाने में महारत हासिल है। ताज्जुब की बात यह है कि 7 साल के अथर्व के लिए दिमाग घुमा देने वाली ये पहेली बाएं हाथ का खेल है। तभी तो अथर्व अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर भी इसे कुछ ही पल में सुलझा लेता है। अभी हाल ही में शिवपुरी के अथर्व बंसल को इंटरनेशनल बुक ऑफ अवार्ड की तरह से सम्मानित किया गया था। अथर्व बंसल इसका श्रेय अपनी टीचर रोशनी और माता पिता को देते हैं। आपको ये उपलब्धि जो मिली है अभी है ना, तो किस क्षेत्र में मिली है, किसने आपको ट्रेनिंग दी और किस स्तर का ये अवार्ड है? किस मैम ने दी? रोशनी मैम ने। अच्छा, रोशनी मैम ने ट्रेनिंग दी। कहाँ पर? अबेकस पार्क में। अच्छा, कितने दिन की ट्रेनिंग रही आपकी इसमें? तीन महीने में आपने सब सीखा है ना, और जो आपको ये अवार्ड मिला है ये कहाँ पर मिला और कितना टाइम लगा था आपको? 1 मिनट 24 सेकंड। अब कोई सुधार हुआ है उसमें? 1 मिनट 18 सेकंड। 18 पे आ गए हैं आप। आज दीदी ने आपको फिजिकल थाना प्रभारी ने इतना प्यार दिया, आपको ट्रॉफी दी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। किस प्रकार का अनुभव है आपको? क्या किस प्रकार का अनुभव है आपको? क्या कर सकते हो आप? आंख पे पट्टी बांध के क्यूपन करेंसी रीडिंग। उम्र कितनी है आपकी? 7 साल। आपने माता पिता का नाम क्या है? प्रियंका बंसल और सौरभ बंसल। कौन कौन सपोर्ट करता है आपको? मम्मा पापा और मैं। बस यार हो गया ना। मैं ये एबेकस एकेडमी है, वहाँ आप ट्रेनर हैं। Yes, बच्चे को आप कितने दिन से सिखा रही हैं और क्या क्या इसकी उपलब्धियाँ हैं? बुद्धि बूस्टर में हम काफ़ी सारी एक्टिविटी कराते हैं, जिसमें ये जो एक्टिविटी है मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, और इसमें हम 3 से 4 महीने तक बच्चे को प्रैक्टिस देते हैं। उसके बाद और इसमें लेवल्स होते हैं। सो अथर्व ने 3 महीने के बाद लगातार प्रैक्टिस की, और लगातार प्रैक्टिस करने के बाद हमने 6 महीने बाद इसका रिकॉर्ड बनाने के लिए कोशिश किया, और ये इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। अच्छा, और भी बच्चे आते होंगे? जी हाँ, तो और भी बच्चे आते हैं। उन लोगों के क्या रिकॉर्ड्स हैं, किस स्तर पे? उनके भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं। बट अगर हम अथर्व की बात करें तो अथर्व की के मम्मा पापा के सपोर्ट की वजह से उसने बहुत निरंतर एक प्रैक्टिस किया है, इसके वजह से उसका रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। अच्छा, इसके अतिरिक्त भी कोई और इवेंट हो जिसमें आप सिखाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ अलग अलग लेवल पे हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। अभी ऐसे इंटरनेशनल लेवल के अलावा अभी अबेकस क्लासेस हैं, वो भी हमारा इंटरनेशनल लेवल पर होता है। इवेंट्स होते हैं, उसमें भी हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। तो ऐसे बच्चों के मानसिक स्तर पे का विकास करने के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज़ देते हैं, जिसमें मिड ब्रेन है, वैदिक मैथ है, अबेकस क्लासेस है, रूबिक क्यूब है। तो अथर्व ने मिड ब्रेन सीखने के बाद रूबिक क्यूब सीखा, फिर दोनों को हमने एक साथ लेके अथर्व का ये रिकॉर्ड क्रिएट कराया। अच्छा, इसके बाद ये आपको अवार्ड मिला है, इसके बाद और भी इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं? हाँ, अलग अलग लेवल पर रहते हैं। तरफ आप जाएंगे? जी जी जी, जरूर सर। इस साल है हमारा प्रयास कि हम लोग अभी करेंगे इसके लिए, आगे काम भी करेंगे। बच्चा इसको क्या क्या अनुभव है अभी? सर मैं समझी नहीं। इसको क्या क्या अनुभव है? सर ये अबेकस क्लासेस में भी बहुत ब्रिलियंट है, इसमें ये मेंटल कैलकुलेशन बहुत अच्छा कर लेता है, मिड ब्रेन के साथ साथ रूबिक क्यूब ये बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है।